ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज सातवें चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। हम आपको बता दें 1 जून को अंतिम चरण के लिए मतदान होना है, वही सातवें चरण के लिए आज मतदान प्रचार प्रसार थमा दिया जाएगा। हम आपको बता दें 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, वही आज शाम 5 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। वही दूसरी ओर हम आपको बता दें अलग अलग जिलों में दिग्गज झोंकते अपनी ताकत दिखे हैं हमें, वही सातवें चरण के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में चुनावी हुंकार भरेंगे। हम आपको बता दें 1 जून को अंतिम चरण के लिए मतदान किया जाएगा, वहीं 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। हम आपको दूसरी ओर बता दें आज शाम 5 बजे तक चुनाव के लिए प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं, वहीं अलग अलग जिलों में दिग्गज झोंकते ताकत दिखाई दिए, वहीं पीएम मोदी की आज पंजाब में चुनावी रैली होगी। हम आपको बता रहे पीएम मोदी आज पंजाब में चुनावी हंकार भरते हुए दिखेंगे, वहीं पंजाब के होशियारपुर में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें आखिरी चरण में प्रधानमंत्री की वाराणसी सीट में भी वोटिंग होगी, और वहीं बंगाल की डायमंड हार्बर सीट मैदान में अभिषेक बनर्जी की किस्मत आजमाई जाएगी। वहीं बिहार की पाटलिपुत्र सीट में मैदान में मीसा भारती, हम आपको बता दें मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी है, आखिरी चरण में उनके सीट पर भी मतदान किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सातवें चरण के लिए आज प्रचार प्रसार थमा दिया जाएगा, वहीं 1 जून को होगा अंतिम चरण के लिए मतदान। वही हम आपको बता दें 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जो कि आज शाम 5 बजे तक, जिसके लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। हम आपको बता दें अलग अलग जिलों में दिग्गज ताकत झोंकते हुए दिखे, वही इसी से संबंधित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हम आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब में चुनावी हुंकार भरेंगे। हम आपको बता दें पंजाब के होशियारपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री, वहीं आखिरी चरण में प्रधानमंत्री की वाराणसी सीट भी शामिल है। हम आपको बता रहे हैं बंगाल की डायमंड हार्बर सीट मैदान में अभिषेक बनर्जी की किस्मत आजमाई जाएगी, वहीं बिहार की पाटलिपुत्र सीट से मैदान में मीसा भारती उतरी। हम आपको बता दें मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी है,